हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो साड़ी स्टिच करके दिखाने वाली हूँ जिसका मटेरियल मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए उस वीडियो को। तो उसमें फ्रेंड्स मैंने ये वाला मटेरियल दिखा रखा है, ये वाला ब्लैक कलर का, ठीक है। और उसपे मैं पिंक कलर का कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ। इसकी मैंने लेस बना ली है। मैंने आपको एक साटन का कपड़ा दिखाया था, ऐसा वाला साटन का कपड़ा दिखाया था, उसमें से मैंने ये लेस बनाई है। क्योंकि ये देखिए, जब हम लेस वगैरह खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो कलर जो होता है थोड़ा सा फेडेड हो जाता है या फिर कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है। तो मैंने इसी साटन के कपड़े की, जिसका मैं ब्लाउज बनाऊंगी, इसी में से मैंने लेस बना ली है। आप देखिए मैंने कैसे लेस बनाई है। इसमें मैंने क्या किया, पेस्टिंग डाली है मैंने इसके अंदर। 1 इंच की पेस्टिंग काटी है, कपड़े के ऊपर चिपकाई है उस पेस्टिंग को मैंने, और इसको इधर से और इधर से बराबर कपड़ा लेके एक तरफ से बढ़ा लिया है मैंने कपड़ा, और एक तरफ से इसके ऊपर रखते हुए एक पैर की मैंने सिलाई लगा दी। ये दब गया अच्छे तरीके से और ऐसी हमारी प्लेन लेस रेडी हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है इसकी। ऐसी मैंने ये 8 मीटर की तैयार कर ली है। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर है, पर लेकिन लुक बहुत अच्छी आएगी साड़ी की, और जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। आप मार्केट से बनी बनाई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्लेन बनाए, पर मुझे इसके ऊपर पल्ला काफी हैवी है तो मुझे प्लेन चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देखिए। वैसे इस पे क्रीम कलर भी चल सकता था, बट मुझे पिंक का कॉम्बिनेशन, आप देखना कैसा लगेगा ये, और बताना भी मुझे कैसा लगेगा कमेंट्स में। और जो फ्रेंड्स नीचे के लिए मैंने लेस रेडी की है, रेडी करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। ये वाली हमारी नेट थी, नेट हमारी बहुत सुंदर है ये देखिए, बिल्कुल छोटे 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 इसमें वो बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खुली खुली या चौड़ी है, ये कपड़े के तरीके की है। इसके लिए मैंने नीचे के लिए फॉल से कम, जैसे हमारे जितना बड़ा फॉल होता है चौड़ाई, उससे कम मैंने ली है। ये मेरी 4 उंगलियां हैं, इतनी मैंने ये लेस रेडी कर ली है। शनील का ये कपड़ा है, इसको भी पेस्टिंग को काट कर मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। और ये देखिए कितनी कड़क और कितनी फिनिशिंग से और कितनी अच्छी है लेस मेरे पास रेडी हो गई। ये मुझे 4 ही मीटर चाहिए, क्योंकि नीचे बलो वाला हिस्सा है ना, वो 4 मीटर के लिए है, तो वो मुझे 4 ही मीटर चाहिए, और ये मुझे 7 मीटर चाहिए। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। ये पेस्टिंग चिपकाई है मैंने, अगर आप, सबसे बड़ी बात है मुझे ब्लैक कलर में जो थोड़ा सा, एक तो इतनी चौड़ी लेस नहीं मिल रही थी और फिर प्लेन में नहीं मिल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ काम करा हुआ मिल रहा था, वो मुझे नहीं चाहिए था इसमें। इसमें नीचे का हिस्सा मुझे सिंपल रखना है। देखते हैं इसमें अगर हम कुछ लगा सकेंगे तो लगाएंगे भी, वो साड़ी बनते बनते देखते हैं, अगर हम कुछ और भी, अगर हमें अच्छा लगा तो हम लगा सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, अपना साड़ी इतनी ही अच्छा लुक हो जाएगा इसका। अब फ्रेंड्स इसमें मैं एक मोती वाली लेस लगाऊंगी, सिर्फ एक मोती वाली लेस पिंक पर, इसको हम साइड रख देते हैं। पहले मैं जो पल्ला पल्ला है ना वो रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए खाली सिर्फ ये वाली लेस मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पिंक के ऊपर, और ये थोड़ी सी अच्छी लुक देगी। इस तरह की मेरे पास मोती की लेस है, ये वाली मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, ये देखिए अच्छी लग रही है। बस इसके ऊपर मैं यही करूंगी और ये वाली लेस लगाकर इसको पूरा रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे लेस को। ये कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा इसकी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से हम पूरी इस पर, हम ये पल्ले के लिए जो रेडी करी है इस पर लेस लगा लेंगे, और फिर हम पल्ले पर लगाएंगे। पल्ले पे लगाना मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये पहले हमने मोती वाली लेस लगा ली थी, उसके बाद मैंने ये कपड़ा मोड़ते हुए, ब्लैक कलर वाला जो मेरे दुपट्टे का है, ये मोड़ते हुए मैंने ये पूरे में लेस लगा दी है। अभी मुझे इधर सिलाई लगानी है ऐसे। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये देखिए, पिछली वीडियो में मैंने एक कुर्ती की अभी मटेरियल आपको दिखाया था, उस पर भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन आपको बताया था क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या एक ही ड्रेस को हम कितने वे में पहन सकते हैं, कितने कलरों में पहन सकते हैं, वो भी दिखाया था। आप मेरी वीडियो को जरूर देखना, उसको वो शायद आपके लिए यूजफुल हो। सो फ्रेंड्स, आप पीछे की तरफ जो है, आप इस तरीके से इसमें जो पीछे है नेट ज्यादा ना छोड़े, क्योंकि जब पीछे का ये हिस्सा दिखेगा तो देखिए इस तरीके से दिखना चाहिए ये।
अगर यहाँ पर नेट ज्यादा कम देखिए कहीं पे से जैसे थोड़ी सी छुट गई है तो किस तरीके से दिख रही है, अगर ज्यादा छुटेगी ये तो मैंने कटिंग कर दी है, अगर ज्यादा छुटेगी तो अजीब लगेगी। तो फिनिशिंग का काम होना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छा लगे। अब आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग का काम इसका हो गया है। साड़ियों में मजा ही जब आता है पहनने में, उसकी लुक देखने में, जब उसमें फिनिशिंग होती है। अब ये मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है, अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लूंगी बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग से। देखिए अब हाथ की बनाई हुई कहाँ लग रही है, ये मैंने अपने आप ही बनाई है, कपड़े से बनाई है, मोती लगा दिए हैं, कहाँ लग रही है। अच्छा, और सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपकी नेट की तन्नी सबसे पहले आपको देखनी है, जैसे कि ये हल्की हल्की मुड़ रही है। फ्रेंड्स मैं छोटी से छोटी बात आपको बताती हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप नहीं देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो आप ये देखिए इसकी कन्नी मुड़ी हुई है, तो मैं पहले कन्नी जरूर काटूंगी, मैं इसी कन्नी पर इसको नहीं लगाने वाली, ये लेस को बिल्कुल, इसको नेट को बिल्कुल कन्नी काट कर बिल्कुल ये सही हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगी, आपको ये जरूर ही देखना है। तो हम पूरी रेडी कर लेते हैं इसको, ये देखिए फ्रेंड्स मैं इधर से इसकी कन्नी काट देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो हो गई है। इस तरीके से आप पूरी कन्नी को काटिएगा और उसके बाद लेस लगाइए अगर आपकी कन्नी खराब है तो। खराब क्या मतलब, यहाँ पर अगर जैसे झोल आता है ना वो ही खराब होती है, ऐसे नहीं कि वो फटी है या कटी है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर जब झोल आ रहा है तो ना तो उस पर फॉल अच्छे से लगेगा ना उस पर, वो मैं अपनी किसी भी साड़ी पर फॉल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं काम इस तरीके से कर देती हूँ, उस पर फॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वजन कर देती हूँ नीचे की तरफ जो हमारे बल होते हैं, जैसे कि मैंने अब इसको बना लिया, ये काफी ठीक है वजन वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार हमें पसंद की लेस चाहिए होती है पर मिलती नहीं है ऐसी, तो हम ऐसे, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम ऐसे भी घर पे लेस बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ और ये कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ जब आप सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा को हल्का सा खींचेंगे जरूर, ताकि ये बिल्कुल झोल ना आए यहाँ पर, इस तरीके से पीछे से हल्का सा इसको ठीक करते हुए, यहां से ठीक करते हुए इस तरीके से पूरा जो हमें दूसरी सिलाई लगानी है इस तरीके से लगानी है। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है, इसी तरीके से हम पूरे पल्ले पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने रेडी कर ली है, ये दोनों तरफ मैंने लेस लगा ली है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया हुआ है। ये देखिए फिनिशिंग भी देखिए कितनी ज्यादा अच्छी आई है, कोई नहीं बोलेगा कि घर पर बनी हुई जैसे हमने कपड़े में से लेस बनाई है, ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड। और सबसे अच्छी बात है कि कलर बिल्कुल जो मुझे चाहिए था वही हो गया है मेरे लिए। अगर आपके पास कई बार लेस ना हो तो आप ऐसे अपने लिए लेस रेडी कर सकते हैं, ये पूरा पल्ला रेडी हो गया, बस नीचे की तरफ को लगनी रह गई है, यहाँ पर जो नीचे पल्ला लटकता है वहां पर लगानी रह गई है, इधर नहीं मैंने कुछ लगाया क्योंकि ये सिंपल ही जितना ज्यादा होगा, पल्ला बहुत भरा हुआ है, जितना ही सिंपल होगा उतना ज्यादा सुंदर लगेगा। अभी आप देखना जब ये साड़ी पूरी बन जाएगी और पहनने के बाद कितनी सुंदर लगेगी ये साड़ी, बहुत अच्छी ये साड़ी लगेगी। पतले पतले धागे जो है अपने काट दीजिए, मोती वाली लेस लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है पर लग जाती है, मशीन का जो पैर है बिल्कुल किनारे पर रखें तो लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो पल्ला था मेरा ये ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा चौड़ा नहीं था, सिर्फ ये 38 इंच था, ये जो नेक थी इसकी चौड़ाई 38 इंच थी, तो ये चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नीचे वाला हिस्सा हम 44 और 46 रखते हैं और ये 38 रह जाता है या 40 रह जाता है, 3-4 इंच की कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको ज्वाइंट कर दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि लुक और भी ज्यादा जहां से आप पल्ला टच करेंगे वहां से ओके आता है। मैं आपको ये पहनकर दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो अब हम नीचे का हिस्सा रेडी करते हैं, अभी मैं नीचे और लगाऊंगी इसमें लेस, इसकी लुक तो अच्छी हो रही है। अब फ्रेंड्स ये जो है हमारी, इसका अरज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है इसका अरज। अब इसका अरज मुझे साड़ियों के अरज होते हैं 44 इंच और 46 इंच, तो मुझे उससे 2 इंच एक्स्ट्रा काटना है इसको, बाकी नीचे से सब अलग कर देना है। जैसे कि ये मेरा अरज आ गया ऐसे करके, मशीन पर पूरी पूरी चीजें फैल कर नहीं देखी जाती,
सही से गड़बड़ हो जाती है ये, पर मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा अरज है। जैसे ये अरज कहते हैं इसको, जो कन्नी होती है उसकी लेंथ, कन्नी वाले को चौड़ाई कहते हैं, इसको अरज बोलते हैं, ठीक है। तो इस अरज को हमें 46 इंच रखना है, 44 और 46 इतनी ही साड़ी होनी चाहिए, 46 प्लस एक आध इंच और फालतू रखें आप। फालतू हमेशा हर जगह रखना चाहिए, एक आध इंच और फालतू रखें, क्योंकि जब हम लैस लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे। तो मैं इसको 46 इंच कर और 4 मीटर का, फ्रेंड्स अगर आप नेट की साड़ी बना रहे हैं तो आप 4 मीटर रखिए, बहुत ही ज्यादा हल्की है, तो आप 4.5 मीटर भी अगर नीचे रखें तो घूम इतने ज्यादा अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। फिर हम इस पर ये वाली लैस जो मैंने प्लान लगा बताई है, आपको दिखाई है, बनाई है खुद ही, वो वाली लगाएंगे। आप देखना इसकी लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। तो फ्रेंड्स अब देखिए मेरा पल्लू बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं 46 इंच से थोड़ा सा फालतू भी काट लाई हूँ, थोड़ा सा 1 इंच और फालतू, 47 काट लीजिए आप। उसके बाद जैसे हम पल्लू जहां से हम स्टार्ट करते हैं साड़ी को डालना, उस हिस्से की तरफ से, नीचे की तरफ से सीधे हिस्से में सीधे हिस्से में फ्रेंड्स इसको हमें ऐसे मोड़ते जाना है। और ये जो हमारी हमने जो अपनी लैस रेडी की है नीचे के लिए फॉल के जितनी, इसको इस तरीके से हमें लगाकर किनारे की बिल्कुल सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। पल्ला आपने हमारा देख ही लिया है, पूरा रेडी हो गया है, नीचे भी मैंने लगा दिया है, देखिए नीचे भी लगा दिया है, फिनिशिंग पूरी ओके हो गई है इसकी। अब ये मैं इसको पूरे पे इस तरीके से मोड़ते हुए नीचे की तरफ जहां हमारे बल बनेंगे वहां लगा लेती हूँ इसको पूरे को, इधर भी, फिर एक सिलाई इधर। अगर आप नए नए सिलाई कर रहे हैं तो आपको कच्चा जरूर करना है, नहीं तो इसमें झोल जरूर आता है। इसको खींचना नहीं है, नेट को भी बिल्कुल नहीं खींचना है। नीचे की तरफ आपको पिंक धागा लगाना है, ऊपर की तरफ आपको ब्लैक लगाना है। ऐसे नहीं कि दोनों ही तरफ ब्लैक लगाना है आप, क्योंकि फिनिशिंग का काम ज्यादा होना चाहिए साड़ियों में या ब्लाउजों में, किसी भी चीज में फिनिशिंग का काम जरूर होना चाहिए, जब भी वो ज्यादा सुंदर लगती है। तो अभी मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बॉर्डर लगा लिया है नीचे का, बिल्कुल प्लेन बॉर्डर लगाया है। अभी हम इस पे पल्ला जोड़ेंगे, उसके बाद ही अगर हमें कुछ लगेगा कि ये बहुत खाली लग रहा है तो ही हम कुछ करेंगे, वरना मुझे ये खाली खाली है, ऐसे ही बिल्कुल प्लेन बॉर्डर ही चाहिए। अब जहां से हम हमारा पल्लू आएगा वहां पर हम ये पल्लू ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए की लुक इतनी प्यारी आ रही है ना, बहुत सुंदर आ रही है। जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इसको ब्लाउज के साथ भी पहनकर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर इसकी लुक आई है। जो चीज है कपड़ा जो है बनने के बाद ही पता चलता है कि कितना सुंदर, क्या कलर कॉम्बिनेशन इसका हम लोगों ने किया है, जो अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो बनने के बाद ही पता चलता है। कपड़ा अगर होता है तो इतना पता नहीं चलता। ये देखिए अब मैं पल्ले के साथ इसको ऐसे एक सिलाई लगा दूंगी पूरे पे। अब यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा सा इससे छोटा आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। पल्ले को अगर 3-4 इंच अगर पल्ला छोटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसकी फिटिंग और भी ज्यादा अच्छी आती है। वो मैं आपको जब पहनेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ कि 4 इंच छोटा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पहनने के बाद पता चलेगा। इस साड़ी में मैंने सारी लेसेस वगैरह खुद अपने हाथ से ही बनाई है, घर पर ही बनाई है कपड़े से। सो मैं अब इसको ऐसे सिलाई लगा दूंगी पूरे में। ये देखिए फ्रेंड्स मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप जब यहाँ की सिलाई लगाएंगे और आपका जो कपड़ा है वो नेट है तो आप उसको थोड़ा सा खींच कर सिलाई लगाएं, ताकि वो कभी भी आपके बैठने उठने से ये सिलाई टूटे नहीं। आपको लग रहा है प्लेन सब कुछ लगाया है, बट लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, लेस लाकर लगाने से भी ज्यादा लगी है, लेस पूरी प्रॉपर बनाई है कपड़े से, पूरी मेहनत की है, तो इसमें मेहनत तो ज्यादा लगी है। पर अगर कोई चीज अच्छी लगती है, प्लेन करके बनानी है जैसे मुझे, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। और जिस चीज में मेहनत करते हैं वो चीज वैसे भी बहुत ज्यादा सुंदर बनती है। हमें इसको, ये हमारा जॉइंट हो गया है, ये हमारा पल्लू हो गया है,
ये पूरा प्रॉपर नीचे का हिस्सा आएगा। अब जब ये पहनी जाएगी साड़ी तो बहुत सुंदर लगेगी। मैं भी इसको अभी फिनिश कर देती हूँ, यहाँ पर एक सिलाई और लगा कर। आप चाहे तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, पर अभी मैं इसको पतला पतला करके, बहुत पतला करके मोड़ दूंगी। इसको मैं इस तरीके से ऐसे करके ऐसे मोड़ दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मोड़ दूंगी इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर हम चाहेंगे तो लेस भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जहां पर मैंने ये पल्लू लगाया है वहां पर ये मैं इस तरीके से मोड़ती जा रही हूँ। जैसे ये हमारी सिलाई हो गई, इसको मैं इस तरीके से ऐसे मोड़ती जाऊंगी, ऐसे सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये हो गया है, देखिए ऐसे मैंने लास्ट में ये फिनिश कर दिया है। 3-4 इंच हमारा ये छोटा है, कोई बात नहीं, पहनने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है छोटा होने में। पक्का आप हर जगह करते जाइए। अभी हमारा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे इसमें लटकन भी लगानी है नीचे, जो हमने कुंदने हर चीज में बनाई है। देखिये ये हमारा ज्वाइंट हो गया, ये डबल ऐसे हो गया। देखिए मशीन पे तो पूरी साड़ी नहीं दिखेगी आपको, पर मैं आपको प्रॉपर खोल के पूरी साड़ी दिखाऊंगी। अब आपको ये पीछे से भी दिखेगा ना, देखिए कितनी फिनिशिंग है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लगा ली है लेस नीचे, ये जो मैंने बनाई थी खुद ही, ये लेस मैंने लगा ली है, बिल्कुल फिनिशिंग से ये लगी है। इसमें देखिए कोई झोल नहीं आया। अब नीचे से जो इसके बल है ना, वो बिल्कुल खिले खिले आएंगे, एकदम ऐसे फूले फूले आएंगे नीचे से। ये देखिए ये बिल्कुल मुड़ भी नहीं रही है, और ये इतनी जल्दी भी खराब नहीं होगी क्योंकि मैंने पेस्टिंग का यूज किया है इसमें, मैंने बुकरम का यूज नहीं किया, अच्छी वाली पेस्टिंग का यूज किया है। और मेरे पल्ले में ये लग गए हैं दोनों तरफ, चारों तरफ लग गए हैं। अब मैं इसको डेकोरेट करने के लिए नीचे मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। आप देखना ये साड़ी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि जब इसको मैं पहनूंगी तो आप खुद ही बताना लाइक करके या कमेंट करके कि कैसी आपको लगी। मुझे तो अच्छी लग रही है साड़ी। ये देखिए ये हो गया ओके। अब मैं आप इस पर लटकन लगाना सिखाऊंगी आपको। लटकन बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमें एक चौरस कपड़ा लेना है। लटकन हम बड़ी और छोटी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर ले लिया है, बिल्कुल इस तरीके से मैं ले लूंगी। बहुत लोग होते हैं जैसे कि लटकन कैसे बनाते हैं, मैंने इसको यूं लिया और हाफ बीच में से काट दिया और इस तरीके से बना देते हैं, नीचे की तरफ जो है धागे निकलते हैं। अब ये दूसरा तरीका लटकन बनाने का, इसको मैंने मोड़ दिया, फिर मैंने इसको यूं मोड़ा, ये देखिए ऐसे मोड़कर। अगर हमें जो एक तो ये साटन है, फिसलता बहुत ज्यादा है, पर लटकन लगाने से ना जो साड़ी की लुक है ना, आपने देखा होगा मैंने कई साड़ी में लगाई भी है लटकन, बहुत ज्यादा सुंदर उसकी लुक हो गई है। इस तरीके से इसे मोड़ना है और फिर इसे पलट लेना है, यहां से हल्का सा आप इसको काट दे यहां से भी और इसको पलट ले ऐसे करके, ये किसी भी चीज को अंदर डाल के इसको ऐसे पलट ले, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालने के लिए जैसे ये आ गया है हमारा, यहां से तो हमारे धागे निकलेंगे नहीं, ये आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या करना है। जो हमारी लेस, जो हमारी नेट है, जो हमें इसके अंदर डालनी है डिजाइन के लिए, उसको इस तरीके से जहां से हमारा कन्नी है सीधा तरीका तरफ है, वहां से कम 2-2.5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लें आप, 2.5 इंच ले लीजिए, 2.5 इंच और 6 इंच चौड़ा ले लीजिए। फ्रेंड्स सिलाई में जितना मेजरमेंट की मेजरमेंट जरूरी होता है ना, उतना हमारा अंदाजा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर जगह पर मेजरमेंट ऐसे ही रख दो डिट्टो नहीं चलता है, कई जगह हमारा अंदाजा बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए मैंने इसको ये कर लिया है। अब मैं इसको चारों तरफ से हाफ हाफ करके काट दूंगी, ऐसे 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 करके काट दूंगी इधर से भी और इधर से भी। ये हो गया हमारे, ये हमारे फुन्ने बन गए हैं इस तरीके से। अभी देखिए, हाँ ये पॉम पॉम की तरह बन जाता है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ये वाली लटकने अगर आप अपनी साड़ी में लगाएंगे तो और भी ज्यादा लुक इतनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। आप इस साड़ी को देखना जब पहनूं, पहन के मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर ये साड़ी है। तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन देखने के लिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऐसे सुई को,
और इसको आराम से ऐसे, ये देखिए मैंने इसको खींच दिया है। अब ये इसके अंदर चली गई, कितनी फूली फूली हो गई, जो हमारा वो जोड़ दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा है, और देखिए कितनी सुंदर हो गई है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे दो मोती लगाने हैं, क्योंकि क्रीम कलर का काम किया हमने तो क्रीम कलर के ही हमने मोती ले लिए। ये देखिए दो मैंने मोती लगा लिए हैं, हमारी लटकन रेडी हो गई। अभी देखिए आप, मैंने काफी सारी इसमें लगा ली है, मैं आपको सिर्फ एक लटकन बना के दिखाने वाली थी। आप देख सकते हैं इस साड़ी की लुक, ये देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ये। अब हमें यहां पर इसको इससे टांग देना है, लेस की सहायता से, लेस के उससे बिल्कुल पास से हम इसको ऐसे करके और नोट लगा देंगे। अगली वीडियो में मैं इसका ब्लाउज आपको बनाना बताऊंगी, और उसके बाद मैं इसको पूरा आपको पहनकर दिखाऊंगी। फिर आप देखना फ्रेंड्स, आप इसकी वो वीडियो भी देखना जिसमें मैंने आपको मटेरियल दिखाया है, इससे पहले मैंने उसी की वीडियो डाली है। आप ये देखिए कि कैसा कपड़ा होता है, और जब हम उसको बनाते हैं अच्छा दिमाग लगाकर, अच्छा आइडिया लगाकर, तो आप देखिए मतलब किस कपड़े को हम कितना ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इतनी सुंदर ये साड़ी लग रही है, बहुत सुंदर। ये हो गया हमारा, ये हमारी लटकन रेडी हो गई। ये देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, कितनी भरी भरी लग रही है। हम किसको किसी भी कलर में कंट्रास्ट में कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर ब्लैक भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। ये देखिए ये सारी मैंने इसमें ये कर दी है। पहन के मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसका ब्लाउज रेडी नहीं है इस वजह से, पर मैं आपको पूरी अभी ये दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी साड़ी पूरी रेडी हो गई है। ये हमारी लटकन जो हमने बनाई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए जहां पर मैंने ये प्लेन किया है कितने फूले फूले इसके बल आए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना एलिगेंट लग रहा है नीचे से। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको ये पहनकर भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं इसका ब्लाउज बनाऊंगी, जो मैं जिसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये कलर कॉम्बिनेशन, इसके मटेरियल की वीडियो भी जरूर देखना जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा मटेरियल होता है, कितना ज्यादा सुंदर हम उसको बना सकते हैं। ये देखिए, तो नए नए डिजाइन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरे डिजाइन पसंद आते हैं, तो लाइक करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर, इसके ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर। मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।